मैं विनोद सिंह कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और इंटर का जिलाध्यक्ष हूं। जनता का कार्यकर्ता हूं और इंटर का जिलाध्यक्ष हूं ट्रेड यूनियन का। आज हम लोगों को मजबूरन वर्ष 2016 के बाढ़ में श्रीनगर केहरपुर के पूरा गांव श्रीनगर कट गया, लोग सड़क पर आ गए, लोग अपना उत्तर तरफ सड़क के उत्तर तरफ आकर के मकान बनाए, लेकिन आज तक गृह अनुदान एक रुपया नहीं मिला। गोपालपुर में दुबे छपरा बांध जब 2016 में टूटा तो जितनी हरिजन बस्ती थी, जितनी झोपड़ियाँ थी, सब बह गई थी। इन सबका प्रस्ताव बना और बैरिया तहसील में 1,93,00,000 रुपया बैरिया तहसील से प्रस्ताव गया कि इतना रुपया लगेगा केहरपुर गोपालपुर के लोगों को और बहुआरा में 58 कटान पीड़ित परिवारों को बसाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए। हमने हाथ पैर पकड़ करके उत्तर प्रदेश सरकार में जो प्रमुख सचिव हैं, जो राहत आयुक्त हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी IAS हैं, हम हाथ पैर पकड़ करके और 2,52,00,000 रुपया 12 अक्टूबर को हम भेजवाए हैं। 1.5 महीना लगभग हो गया, 2,52,00,000 किस गांव के लिए? आज तक बहुआरा में 58 कटान पीड़ितों को जमीन खरीद कर बसाना है, केहरपुर में 117 लोगों को गृह अनुदान देना है, गोपालपुर में 50 से 60 लोगों को गृह अनुदान देना है। पैसा पड़ा हुआ है खाते में आकर के ट्रेजरी में, और जब लोग गरीब लोग आते हैं अपना मजदूरी छोड़ करके तो यहाँ तहसील के बाबू से लेकर के और तहसीलदार, जो कि आपने देखा है आज तहसील में नौबत आ गई हाथापाई की, तहसीलदार कह रहा है कि नेताजी धीरे से बोलिए, जिसको जहाँ काम होगा वो चला जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह का संवेदनहीन सरकार और इस तरह का संवेदनहीन तहसीलदार, हम तो यहाँ के माननीय विधायक जी को, सुरेंद्र सिंह जी को कहना चाहते हैं अगर हमारी आवाज़ पहुँचे तो, कि आप इतनी लड़ाई लड़ते हैं और इस संवेदनहीन तहसीलदार को ला करके तहसील में पोस्ट कराए हैं, आप गरीबों की बात नहीं सुन रहा है। और हम तो विपक्ष के नेता हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम थाने का घेराव करेंगे, सड़क जाम करेंगे, हम हॉस्पिटल जाम करेंगे। हम तो विपक्ष में हैं, जो सरकार में रहता है उसकी बात सुनी जाती है। हम तो चिल्ला रहे हैं, चाहे वो चांदियर का प्रकरण हो, चाहे केहरपुर का प्रकरण हो। आज केहरपुर के गोपालपुर के जो कटान पीड़ित परिवार हैं उनके साथ में मजबूर होकर के मुझे आना पड़ा। अभी तक लिस्ट नहीं निकली है कि कितने लोगों का, चूंकि खाते में डायरेक्ट पैसा जाना है, नगद रुपया नहीं मिला है। जब लिस्ट मिलेगी इसके बाद हम खाता नंबर देंगे जिनका मकान गिरा है और गवर्नमेंट का पैसा जाया है। तहसील आज तक अपने लेखपाल को लिस्ट नहीं दिया कि कम से कम जा करके और खाता नंबर लिया जा सके। तो मेरा ये कहना है कि अगर 30 नवंबर तक, आज 20 तारीख है, अगर 30 नवंबर तक तहसील प्रशासन खाते में पैसा भेजना शुरू नहीं किया, बहुआरा में जमीन खरीद करके 58 लोगों को बसाया नहीं, पैसा मैं दिलवाया हूँ, कोई तहसीलदार SDM कोई मेहनत नहीं किया है, किसी पार्टी का नेता, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कोई पार्टी का नेता कोई मदद नहीं किया, केवल जनता मदद करती है हमारी, केवल जनता मदद करती है। कोई MP MLA किसी पार्टी का हो, हमारे पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, कोई मदद नहीं करता है कोई। अभी उस दिन सुगर छपरा में चक्का जाम हुआ, आज जाकर के देखिए आज बेलहरी में पिचिंग का काम हो रहा है, यह NH-31 जो इतना खराब है। इस मामले में SDM ने क्या, इस मामले में उप जिलाधिकारी महोदय ने हमसे कहा है कि मैं 1 सप्ताह के अंदर दोनों गांवों की लिस्ट लेखपाल को दूंगा, केहरपुर और गोपालपुर, और बहुआरा के संबंध में उन्होंने कहा है कि मैं इस हफ्ते शनिवार तक जमीन रजिस्ट्री करा लूँगा, क्योंकि पैसा तीनों गांवों का आ गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 30 नवंबर तक अगर कार्रवाई शुरू नहीं हुई पैसा भेजने की खाते में, 10 दिन का हम समय देते हैं इनको, अगर कार्रवाई शुरू कर दें, भले 15 दिन लगता है, धीरे धीरे जाता है, लेकिन अगर 30 नवंबर के पहले ये शुरू नहीं करते हैं तो 1 दिसंबर को, मैं चांदियर के लोगों को भी कहा हूँ, उनका भी समय 1 दिसंबर है, और इन दोनों गाँवों को भी मैं 1 दिसंबर को सैकड़ों कटान पीड़ित परिवार के साथ यहीं गेट पर बैठूंगा और किसी कर्मचारी अधिकारी को मैं भीतर नहीं जाने दूंगा।